दोस्तों सबसे पहले इस बोतल को गड्ढे में रख दिया जाएगा और इस पाइप को भी बोतल के साथ जोड़ दिया जाएगा। अब इस बोतल को मिट्टी से दबा दिया जाएगा। उसके बाद मिनी हैंडपंप को इसके ऊपर लगा दिया जाएगा। अब मिनी हैंडपंप को लगाने के बाद इस लकड़ी को यहाँ पर गाड़ दिया जाएगा। अब फेविकोल की मदद से मिनी मोटर को चिपका दिया जाएगा। फिर इस मिनी मोटर को एक पाइप के साथ हैंडपंप से जोड़ दिया जाएगा। इस मिनी मोटर के ऊपर एक और पाइप को लगा दिया जाएगा। अब इस स्टार्टर के साथ मोटर के वायरों को जोड़ दिया जाएगा। सभी वायरों को जोड़ने के बाद अगर आप भी इंडिया से हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों हमारा मिनी वाटर मोटर हैंडपंप बनकर तैयार हो चुका है। अब इसे चलाने के लिए स्टार्टर के बटन को ऑन कर दिया जाएगा। अब आप खुद ही देख सकते हो यह मिनी वाटर मोटर पंप कैसे काम कर रहा है, जिसे आप खुद ही देख सकते हो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता।